आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। तीन तलाक बिल को लेकर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल आ गई है। सदन में एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू ने तीन तलाक बिल का विरोध तो किया ही था, वहीं अब नीतीश सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक ने तीन तलाक बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। श्याम रजक ने ट्रिपल तलाक के बिल पर बात करते हुए कहा है कि बिल को लाने से पहले मोदी सरकार को सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ समुदाय विशेष से सहमति लेनी चाहिए थी। इसी के साथ श्याम रजक ने आगे कहा कि देश में समन्वय और भाईचारे के साथ सरकार चलानी चाहिए, ईर्ष्या की भावना से नहीं। वहीं श्याम रजक ने स्पष्ट तौर पर ये बातें कहीं कि विवादित मुद्दे पर उनकी पार्टी एनडीए से अलग राय रखती है। हम देश को धर्म, जाति और गोत्र के आधार पर नहीं बांट सकते, सभी लोगों को साथ लेकर हमें काम करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार को राम मंदिर, धारा 370 और 35A जैसे मुद्दों पर सभी से बात करनी चाहिए। इन मुद्दों को तभी सुलझाया जा सकता है जब देश के सारे नागरिक एकजुट हों। देश को बांटकर किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वह बताया दें आपको कि शुक्रवार को श्याम रजक बेचहा पारसनाथ प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयोजित एक वन महोत्सव सह पौधारोपण अभियान का उद्घाटन करने गए। इस दौरान उन्होंने सरकार की नीति की पर बात करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर में सरकार 3 लाख पौधे लगाएगी, इस पर सरकार का काम चल रहा है। आपको बता दें कि तीन तलाक के मुद्दे पर जेडीयू ने राज्यसभा में वॉकआउट कर दिया था, जिसकी वजह से भाजपा को यह बिल पास कराने में कहीं ना कहीं फायदा हुआ था। जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया था कि वह तीन तलाक के बिल पर विरोध करेगी, लेकिन एन मौके पर जेडीयू ने कहीं ना कहीं भाजपा को अपने वॉकआउट से फायदा पहुंचा दिया। ये चीजें जब तक प्रकृति अनुकूल नहीं होगी हम सब लोग परेशान होंगे और पूरा मानव जाति के लिए खतरा बनता जा रहा है। आज यूरोपीय कंट्री में भी देख रहे हैं, विदेशों में गर्मी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जनता समाज से समाप्त होती जा रही है, वायुमंडल का जनता कम होती जा रही है, भूमि का स्तर जल स्तर है छोटी नीचे गिरता चला जा रहा है। देश में ऐसा आएगा जब पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, आप नहाने के लिए पानी नहीं मिलेगा, आज महानगरों की स्थिति है। आप अखबार पढ़ते होंगे, सुने होंगे, चेन्नई और बंगलोर में नीचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार, तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको पत्रकारिता में हमारा ये प्रयोग अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पेटीएम नंबर नोट कर लीजिए 9386816700। धन्यवाद।